रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेज़र के हवाले से टॉपिक है वो है स्टेडी स्टेट पंपिंग एनालिसिस एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन। लेकिन इसमें हम फोर लेवल लेज़र सिस्टम को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि फोर लेवल लेज़र सिस्टम जो है वो किस तरह से, यानी उसके जो रेट एनालिसिस है कि डिफरेंट जो एनर्जी लेवल्स हैं या एनर्जी बैंड्स हैं उनमें किस तरह से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है या कम होती है। हम इसके लिए जिस लेज़र की जो बात करेंगे वो लेज़र है नियोडीनियम। ठीक है, अब नियोडीनियम जो है वो एक सॉलिड स्टेट लेज़र है और जो नियोडीनियम के एनर्जी लेवल्स हैं आप उन एनर्जी लेवल को एक फोर लेवल लेज़र सिस्टम के एनर्जी लेवल के साथ जो है वो मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी बात स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले जो है वो हाइड्रोजन की बात करता हूँ। हाइड्रोजन एटम के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो बहुत ही डिस्टिंक्ट होते हैं और बहुत ही शार्प होते हैं। अब अगर आप इसका एनालिसिस करना चाहें कि किसी भी शेल जिसका शेल नंबर n है आप उसकी एनर्जी निकालना चाहें तो फॉर्मूला होगा माइनस ई नॉट ओवर n स्क्वायर, और n का मतलब है शेल नंबर, और ई नॉट की जो वैल्यू है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर आप इसको एनर्जी जो है वो लेवल डायग्राम के ऊपर बनाना शुरू करें तो जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है अगर आप n की जगह 1 पुट करें तो उसका आंसर आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी ये एक्सिस के ऊपर मैंने एनर्जी प्लॉट कर रहा हूँ और एनर्जी को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंसिडर कर रहा हूँ। जब n की जगह मैं 2 पुट करूँगा तो यहाँ पर आप n की जगह 2 पुट करें, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सेकंड शेल की एनर्जी है। थर्ड शेल की एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, आप n की जगह 3 पुट कर दें यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि आप n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है। अब देखिए मैग्नीट्यूड तो कम हो रही है लेकिन ये -13.6 लेस होता है और -3.4 उससे ज़्यादा होता है, यानी लेस नेगेटिव होता जा रहा है, यानी जो एनर्जी है। इस तरह इनकी जगह आप 4 पुट करें, अब जब 4 पुट करेंगे तो आंसर आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस तरह आप 5 पुट कर दें, ठीक है, तो आंसर -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब जो है वो आ जाएगा। तो आप एक चीज़ नोट करें कि जब एनर्जी लेवल्स कम थे, यानी फर्स्ट और सेकंड एनर्जी लेवल के करीब थे आप, उस वक्त दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान गैप काफ़ी ज़्यादा था, यानी 13.6 और 3.4 का गैप देखें काफ़ी बनता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है। जब सेकंड और थर्ड के दरमियान गैप देखेंगे ये गैप बहुत ही कम हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम रह गया। 3 और 4 के दरमियान ये गैप जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम रह गया। इसी तरह से 4 और 5 के दरमियान गैप मज़ीद कम रह जाएगा। तो इसका मतलब है जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है, यानी जैसे जैसे आप हाई एनर्जी लेवल की तरफ चलते हैं उस वक्त दो कंजेक्टिव एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो गैप होता है वो क्या होता है, कम होता है। सेम ये दूसरे मीडियम्स में भी होता है। अब जो न्यूडीनियम है, एक्चुअली में एक न्यूडीनियम जो है ये ना जब आयोनाइज होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल से निकलते हैं तो न्यूडीनियम आयन बन जाता है। ठीक है, यानी ये ट्रिपली आयोनाइज आप इसको कह लें। अब न्यूडीनियम जो है वो उसको प्योरली यानी लेज़र के लिए यूज़ नहीं किया जाता, एक होस्ट मटेरियल होता है जिसको यट्रियम एल्युमिनियम गार्नेट कहा जाता है। अब जो यट्रियम का साइज़ होता है ना वो न्यूडीनियम के साइज़ के बिल्कुल बराबर होता है। तो यट्रियम एल्युमिनियम का जो मिक्सचर होता है, जो गार्नेट होता है, यानी जो होस्ट क्रिस्टल होती है, उस क्रिस्टल में किसी किसी जगह से यट्रियम के जो आयन होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि यट्रियम के आयन भी क्या होते हैं, ट्रिपली आयोनाइज होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है और उनकी जगह न्यूडीनियम के आयन को एम्बेड कर दिया जाता है, वहाँ पर सी दिया जाता है। या ऐसा होता है कि न्यूडीनियम को ग्लास में जो है वो क्या किया जाता है, एम्बेड किया जाता है, यानी ग्लास एक होस्ट क्रिस्टल है
और न्यूडीनियम के आयन को उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एम्बेड कर दिया जाएगा। लेकिन न्यूडीनियम यैग जो लेज़र है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इसलिए प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ होने वाला जो होस्ट मटेरियल है वो येट्रियम एल्युमिनियम गार्नेट ही है। अब जो न्यूडीनियम के एनर्जी लेवल्स हैं वो तो हैं बहुत कम्प्लेक्स, लेकिन हमने उनको अपने लिए आसान बनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर जिक्र किया कि 4, 5, 6 ये सारे के सारे एनर्जी लेवल अब बहुत करीब करीब जो है वो आ जाते हैं। और न्यूडीनियम तो पहले ही सॉलिड है, और सॉलिड में तो एनर्जी लेवल इतने डिस्टिंक्ट और शार्प होते ही नहीं हैं। सॉलिड में जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एटम बहुत करीब आ जाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से एक एनर्जी लेवल जो है वो छोटे छोटे क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल्स में कन्वर्ट हो जाता है या स्प्लिट हो जाता है। और वो जो बहुत ही करीब करीब एनर्जी लेवल्स होंगे इतने क्लोजली स्पेस होंगे कि वो आपको अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, आपको दिखाई देगा कि ये पूरा का पूरा एक एनर्जी बैंड है। इसलिए न्यूडीनियम के जो एनर्जी लेवल्स हैं ना, आप उन एनर्जी लेवल को मॉडल कर सकते हैं 4-लेवल लेज़र सिस्टम के साथ। वो आप कैसे मॉडल करेंगे कि आप यहाँ पर क्या करें कि एक एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो बनाएं। ये पहला एनर्जी लेवल है जिसको आप कहते हैं E1। तो अब ये एनर्जी लेवल नहीं है, एनर्जी बैंड है, क्योंकि सॉलिड में एनर्जी बैंड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो भी उसको आप बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी बैंड है E1 या ग्राउंड एनर्जी लेवल जिसको आप कह दें, ठीक है। और इसमें जो एटम्स की तादाद है वो है N1। E1 से ऊपर यानी जो नेक्स्ट लेवल है वो है E2। तो इसमें एटम की तादाद रिलेटिवली जो है वो लो होगी, N2 आप कह लें, ठीक है। उसके बाद N3, इसमें एटम की तादाद जो है वो मज़ीद कम होगी, ये N3 आप कह लें, ठीक है। और N3 से ऊपर जितने भी लेवल्स हैं यानी 4 एंड सो ऑन जितने भी सारे लेवल्स हैं उन सब लेवल्स को आप एक ही लेवल जो है वो कंसिडर कर लें, ठीक है। अब अगर मैं आपको ना एग्जांपल दूं कि हमने उन सबको एक ही लेवल कंसिडर क्यों किया है, आप ये हाइड्रोजन में देखें, फोर्स एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो है -0.85। और अगर आप एन की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल की जो एनर्जी आएगी वो आएगी 0। तो अब 0 और -0.85 के दरमियान कितना गैप है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप भी नहीं है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे एनर्जी लेवल 4 से लेके इनफाइनाइट तक इतने क्लोज्ड हैं कि आप इसको एक कंटिन्यूस बैंड जो है वो समझ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो E4 होगा यानी जो चौथा एनर्जी बैंड है एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, वाइड होगा। और ये इसमें जो एटम्स की तादाद है उन सबको आप N4 कह दें। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन है थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि N1 बहुत ज़्यादा है, N2 उससे कम, N3 उससे कम और N4 इससे कम। लेकिन याद रखें कि N4 अब काफ़ी वाइड बैंड है, ठीक है। तो अब आप बाहर से जब आप पंपिंग करते हैं तो पंपिंग क्या की जाती है कि आपने पॉपुलेशन इन्वर्जन पैदा करनी होती है। ये जो ज़्यादा एनर्जी वाले लेवल होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, तो इसका मतलब है इनका जो लाइफ टाइम होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, N1 से पंपिंग करके, ठीक है, आप लेके जाएंगे एटम्स को N4 की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब है बाहर से आप फोटोन्स लेकर आएंगे, फोटोन की एनर्जी रफली कितनी होनी चाहिए, E4 - E1। तो वो N1 से एटम को लिफ्ट करेगा और N1 से लिफ्ट करने के बाद उसको कहाँ पर ले जाएगा, N4 में ले जाएगा। अब ये जो N4 है इसमें आप पहुँचे हैं पंपिंग की वजह से, और आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था पंपिंग रेट जिसको हमने WP कहा था, ठीक है। तो W मीन्स वोल्टेज या पावर कह दें, ठीक है, और P जो है वो पंपिंग के लिए यूज़ किया गया। N4 में एटम जो है पंपिंग के नतीजे में आ गए, लेकिन N4 शॉर्ट लिव्ड स्टेट है। इसका मतलब है यहाँ पर आप N1 से एटम्स को पहुँचा तो रहे हैं N4 में, लेकिन होगा क्या कि वो N4 में ज़्यादा देर के लिए स्टे नहीं करेंगे और वो N4 से फौरन N3 की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है N4 में वो आए तो सही लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए, और N4 से जल्दी से वो फॉल कर गए कहाँ पर, N3 में। तो इसका मतलब है N3 में जो तादाद है वो बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। ये है एक फास्ट ट्रांजिशन, ठीक है, यानी T4 से T3 में आने की जो मीन लाइफ टाइम है T4-3, ठीक है, ये क्या है, बहुत ही स्मॉल है। फास्ट का मतलब यही होता है ना कि
थोड़ा टाइम लेगा, तो टी फोर थ्री की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। और टी थ्री अपर लेज़र लेवल है, और जो ये जो आपके पास एन टू है या ई टू है, ये एक्चुअली में क्या है, लोअर लेज़र लेवल है। तो अब इसका मतलब है N3 और N2 के दरमियान एक्चुअल लेज़र ट्रांजिशन होनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो लेज़र ट्रांजिशन है, इसमें अपर एनर्जी लेवल को हमेशा मेटा स्टेबल स्टेट कहा जाता है। तो इसका मतलब है ये जो E3 एक्चुअली में मेटा स्टेबल स्टेट है, और मेटा स्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम था वो क्या था, सबसे ज़्यादा था। इसका मतलब है कि ये जो 3 से 2 में जो टाइम है फॉल का, ये क्या होगा, बहुत लार्ज होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है टी थ्री टू इज़ अ लार्ज नंबर। उसके बाद जब वो एन टू में आएंगे, तो एन टू से फिर उन्होंने तेज़ी से क्या करना है, एन वन की तरफ फॉल करना है। इसका मतलब है एन टू से जो एन वन की तरफ, यानी ई टू से ई वन की तरफ जो ट्रांजिशन है, वो भी क्या है, फास्ट है। तो यानी यूँ आप कह लें, जो टी टू वन है, टू से वन में जो स्पॉन्टेनियस डिके की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो लार्ज है, और जो टाइम इंटरवल लगेगा टू से वन में आने का, वो बहुत स्मॉल होगा आपके पास। तो ये आपके पास जो है वो सिचुएशन है, या इसको कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम है, जिसको आपने यहाँ पर देख लिया, लिख लिया। अब हमने इस एनर्जी लेवल डायग्राम को अपने सामने रखना है, ठीक है, और सामने रखते हुए हमने हर एनर्जी लेवल के अंदर E4, E3, E2, इन सब एनर्जी लेवल्स के अंदर हमने क्या चीज़ देखनी है, कि कितने एटम्स आ सकते हैं, ठीक है, यानी N4 की वैल्यू मालूम करेंगे, N3, N2 और N1, ठीक है। तो हम जो है जो इक्वेशन लिखेंगे उनको कहा जाता है रेट इक्वेशंस, ठीक है। तो मैं आपको रेट इक्वेशन लिखवाने का तरीकाकार बता देता हूँ, ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि रेट इक्वेशन को इक्विलिब्रियम स्टेट में एनालाइज कैसे किया जाता है, ठीक है, तो वो हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेवल 4 की रेट इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, dN4/dt। ये आपको बता रहा है कि लेवल 4 में, यानी E4 में आने वाले एटम्स की तादाद पर यूनिट टाइम, वो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, N4 में जो एटम्स आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, पंपिंग के नतीजे में आ रहे हैं, पंपिंग रेट कितना है, WP, और N1 यानी ये जो आपके पास ग्राउंड एनर्जी लेवल है, यहाँ पर एटम की तादाद है N1। तो इसका मतलब है कि पंपिंग के नतीजे में जो N4 में, यानी E4 में आने वाले एटम की तादाद है, वो होगी WpN1। लेकिन लाजमी तो नहीं है कि जो बाहर से आने वाला फोटोन है वो N1 वाला ही एटम जो है वो अब्सॉर्ब करे और वो N4 में जाए। हो सकता है N4 में जो एटम्स मौजूद हैं वो उस फोटोन को अब्सॉर्ब कर लें, और उस फोटोन के साथ जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन के नतीजे में N4 से एटम जो है वो फॉल करके कहाँ पर आ जाए, N1 में आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हो सकता है कि पंपिंग के नतीजे में आने वाला जो फोटोन है, जो एक्सटर्नल फोटोन है, वो E4 में किसी एटम से टकरा जाए और उसको नीचे जो है वो क्या करवा दे, फॉल डाउन करवा दे। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो इधर किसी एटम से टकराए और नीचे की तरफ आ जाए। तो इसका मतलब है, इसके साथ मैंने प्लस लगाया क्योंकि ये उन एटम की तादाद के बारे में बता रहा है जो N1 से उठ के N4 में जा रहे हैं, और ये वाली जो टर्म है ये उन एटम की तादाद के बारे में बता रहा है जो N4 से उठ के कहाँ पर आ रहे हैं, N1 में जो है वो आ रहे हैं। उसके बाद उसको आप लिखेंगे A4, यानी 4 से स्पॉन्टेनियस डिके करने की प्रोबेबिलिटी इनटू N4। अब ये जो A4 है ये क्या चीज़ है, A4 का मतलब है कि A4 एनर्जी लेवल से थर्ड, सेकंड या फर्स्ट एनर्जी लेवल में स्पॉन्टेनियस डिके की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है A4 एक्चुअली में सम है किस चीज़ का, 4 से थर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी, 4 में सेकंड में आने की प्रोबेबिलिटी, और 4 से फर्स्ट में आने की प्रोबेबिलिटी, यानी तीन तरह की डिके प्रोबेबिलिटीज़ का सम है। अब आप ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ये मीन लाइफ टाइम का रेसिप्रोकल होती है। तो A4 की जगह 1/T4, A4/3 की जगह 1/T4/3, इस तरह A4/2 की जगह 1/4/2, और यहाँ पर 1/tau^4/1, इस तरह से लिखा जा सकता है।
अब जब आप इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में देखेंगे तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि हर लेवल ने अपनी एक एक पॉपुलेशन अचीव कर ली है और वो पॉपुलेशन कांस्टेंट हो गई, यानी उसमें से जितने एटम निकल रहे हैं उतने ही एटम उसके अंदर किसी तरह से आ रहे हैं। तो इसका मतलब है N4 की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी इक्विलिब्रियम में, और अगर N4 की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो ये dN4 by dt ज़ीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू WP N1 माइनस WP N4 माइनस 1 ओवर tau 4 into N4। ये जो दोनों N4 वाली टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा N4 into WP और ये N4 ओवर tau 4 ये दूसरी साइड पे आ जाएगा। खैर मैं N4 कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर आ जाएगा WP प्लस 1 ओवर tau 4 इज इक्वल टू WP N1। दोनों साइड पे tau 4 से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा WP tau 4 into N1, और यहाँ पर अगर मैं n tau 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा WP tau 4 प्लस 1। तो यहाँ से आप जो है वो N4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो N4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी WP tau 4 ओवर 1 प्लस WP tau 4 इंटू N1। इसका मतलब है N4 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ N1 आपने निकाल ली है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि WP को तो आपने लास्ट उसमें कह दिया था कि ये क्या चीज़ है, इसको आपने कहा था इट इज़ पंपिंग रेट, ठीक है। अब WP को जब आप tau 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो उस वक्त इसको कहा जाता है नॉर्मलाइज्ड पंपिंग रेट, ठीक है। तो ये टर्म बाद में इस्तेमाल होनी है तो इसलिए हम इसको अभी से जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं, ये है नॉर्मलाइज्ड पंपिंग रेट। तो अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है, मैं इस इक्वेशन को लिख लूँगा क्योंकि इस इक्वेशन को ही हमने फाइनली इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैं ये अरेज कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को हम बिल्कुल राइट साइड पे जो है वो लिखते हैं यहाँ पर अपने पास कि N4 की वैल्यू किसके बराबर है, ये है WP tau 4 ओवर 1 प्लस WP tau 4 into N1। और अगर आप N1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ N4 निकालना चाहते हैं तो इसको उल्ट भी किया जा सकता है, ये आ जाएगा 1 प्लस WP tau 4 ओवर WP tau 4, यानी ये इधर चला गया ये इधर आ गया into N4। तो ये दोनों इक्वेशन फ़िलहाल मैंने यहाँ पर अपने आसानी के लिए जो है वो लिख ली हैं। अब हम जो है जैसे हमने ये इक्वेशन लिखी है सेम उसी तरह हम इक्वेशन लिखेंगे थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर आने वाले तमाम के तमाम एटम्स की बेस के ऊपर, ठीक है। तो अब हम दोबारा से रेट इक्वेशन लिख रहे हैं लेकिन अब हम जो है वो थर्ड एनर्जी लेवल यानी E3 की जो है वो बात करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ dN3 by dt। अब थर्ड एनर्जी लेवल में एटम्स कहाँ से आ रहे थे, पहली बात एटम आ रहे थे फोर्थ एनर्जी लेवल से फॉल करके कहाँ पर, थर्ड एनर्जी लेवल में। इसका मतलब है N4 ओवर tau 4 3, ये तो आ रहे थे इसका मतलब है ये पॉजिटिव है। लेकिन N3 से जो एटम है वो डिके भी तो करेंगे, N3 से N2 में भी जाएंगे, N3 से N1 में भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर लिखूँगा N3 ओवर tau 3, और ये जो tau 3 है, ठीक है, एक्चुअली मैं ये दो तरह की प्रोबेबिलिटी का सम है, 3 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी और 3 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी, उन सबको सम अप कर लिया आपने। जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी तो उस वक्त dN3 ओवर dt जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू N4 ओवर tau 4 3 माइनस N3 ओवर tau 3। ये N3 ओवर tau 3 दूसरी साइड पे ले जाएं तो N3 ओवर tau 3 इज इक्वल टू N4 ओवर tau 4 3। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, N3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास N3 की वैल्यू आएगी, N3 इज इक्वल टू N4, ये tau 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर tau 4 3। तो इसका मतलब है अब ये वाली जो क्वेश्चन है इसको भी मैं यहाँ पर जो है वो लिख लेता हूँ कि N3 किसके बराबर है, tau 3 ओवर tau 4 3 इंटू N4, और इसको उल्टा के भी लिख लें, ठीक है, वो भी हमारी हेल्प करेगा बाद में। अगर N4 निकालना है तो ये tau 4 3 इधर आ जाएगा, tau 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो tau 4 3
ओवर टाउ थ्री एन टू एन थ्री। तो ये भी एक इक्वेशन जो है वो फ़िलहाल आप अपने यहाँ पर ध्यान में रख लें। ये थर्ड एनर्जी लेवल का जो है वो आपके पास रेट इक्वेशन आपने लिखी और उसको जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन पुट करके आपने उसको रीअरेंज कर लिया। इसी तरह से सेकंड एनर्जी लेवल का आप रेट इक्वेशन लिखें डी एन टू ओवर डी टी। अब सेकंड एनर्जी लेवल जो है उसमें कहाँ कहाँ से एटम आ सकते हैं। पहली बात, फोर्स एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में जो एटम्स आएंगे वो उस तरह से लिखा जाएगा एन फोर डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी टू डिके फ्रॉम टाउ फोर टू। ठीक है, ये तो आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से थर्ड एनर्जी लेवल से भी एटम्स इन डिके करके सेकंड एनर्जी लेवल में आना है तो वो आ जाएगा एन थ्री ओवर टाउ थ्री टू। ये दोनों पॉजिटिव हैं क्योंकि ये सेकंड एनर्जी लेवल में जमा हो रहे हैं। लेकिन ये भी तो है कि सेकंड एनर्जी लेवल के नीचे फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो इसका मतलब है सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जो एटम डिके करेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी होगी एन टू डिवाइडेड बाई टाउ टू वन। अब जब आप इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुँचेंगे डी एन बाई टू बाई डी टी को आप जो है वो ज़ीरो पुट कर देंगे, ये आप पुट करेंगे एन फोर ओवर टाउ फोर टू प्लस एन थ्री ओवर टाउ थ्री टू माइनस एन टू ओवर टाउ टू वन। ये जो माइनस एन टू ओवर टाउ टू वन है दूसरी साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो ये एन टू ओवर टाउ टू वन। ये जो एन फोर ओवर टाउ फोर टू है तो मैं ये टाउ फोर टू को ऐसे लिख रहा हूँ एन फोर, ये एन फोर की वैल्यू थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी इन टर्म्स ऑफ एन थ्री, तो मैं एन फोर की जगह ये वाली वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ टाउ फोर थ्री ओवर टाउ थ्री इन टू एन थ्री प्लस ये एन थ्री ओवर टाउ थ्री टू है। अब आप देखें ये टाउ टू वन को राइट साइड पे लाके मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा एन टू इज इक्वल टू ये टाउ टू वन जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा। अब इस दोनों में देखें ये वाली एक टर्म है और एक ये वाली टर्म है, दोनों में से एन थ्री कॉमन ले लें, तो एन थ्री को तो कॉमन लेके मैंने ये राइट साइड पर लिख दिया। अब देखें ये टाउ टू वन जब इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो बनाएगा टाउ टू वन टाउ फोर थ्री ओवर टाउ फोर टू इंटू टाउ थ्री प्लस ये टाउ टू वन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा टाउ टू वन ओवर टाउ थ्री टू इंटू एन थ्री। अब यहाँ पर हमने कुछ जो है वो थोड़ा सा एनालिसिस करना है। ये जो ब्रैकेट के अंदर ये एक टर्म है इसको आप बीटा कह दें, तो मैं लिख देता हूँ एन टू इज इक्वल टू बीटा एन थ्री। अब इन सब इक्वेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, इन सब से जो हमने रिज़ल्ट निकालना था वो हमने यहाँ पर जो है वो लिख लिया है। ठीक है, तो अब हमें इन्हीं इक्वेशन को इस्तेमाल करना और इस्तेमाल करके हमें एक फ़ाइनल रिज़ल्ट तक जो है वो पहुँचना है। सबसे पहले तो हम बीटा की बात कर लेते हैं कि बीटा किसके बराबर है। ये है टाउ टू वन टाउ फोर थ्री ओवर टाउ फोर टू इंटू टाउ थ्री प्लस टाउ टू वन ओवर टाउ थ्री टू। तो पहली बात ये देखें, टाउ टू वन टू से वन में जाने की प्रोबेबिलिटी थी फास्ट, फास्ट का मतलब है कि ये टाइम बहुत कम होगा। टी फोर थ्री, फोर से थ्री में आने वाली जो ट्रांजिशन है वो भी फास्ट है, इसका मतलब है ये टाइम भी बहुत कम है। तो जब दो बहुत ही छोटी टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर मज़ीद छोटा हो जाता है, तो इसका मतलब है ये जो न्यूमरेटर है ये काफ़ी कम है। डिवाइडेड बाई टाउ थ्री, अब टाउ थ्री का मतलब है थ्री से नीचे डिके करने की प्रोबेबिलिटी, तो हमने कहा था थ्री से टू में जो जाने की प्रोबेबिलिटी है वो स्लो है, इसका मतलब है ये टाइम बहुत ज़्यादा है। तो न्यूमरेटर जो है वो स्मॉल है, डिनोमिनेटर जो है वो लार्ज है, तो ये वाली जो टर्म है ये तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, तो इसका मतलब है बीटा की जो वैल्यू है अब वो आंसर आ जाएगा टाओ टू वन ओवर टाओ थ्री टू। अब फिर दोबारा से वही वाली बात, टू से वन में आने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी फास्ट, इसका मतलब है टी टू वन की वैल्यू जो है वो क्या होगी, स्मॉल, और थ्री से टू में जो डिके टाइम था वो लार्ज था, इसका मतलब है कि ये जो थ्री से टू जो है वो स्लो जो ट्रांजिशन थी इसलिए ये टाइम ज़्यादा है, लार्ज है, तो फिर स्मॉल ओवर लार्ज, इसका मतलब है ये जो आंसर आना है ये वन के मुकाबले में बहुत कम आना है। तो इसका मतलब है अगर बीटा की वैल्यू बहुत ही कम होगी तो यहाँ से एन टू की वैल्यू भी एन थ्री के मुकाबले में क्या आएगी, बहुत कम आएगी।
इसका मतलब है N2 जो लो एनर्जी लेवल है उसमें पॉपुलेशन कम है, और जो हाई एनर्जी लेवल है उसमें पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब है पंपिंग के नतीजे में आप पॉपुलेशन इन्वर्जन तो वाकई ही क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो पहली बात है कि आपने स्टेडी स्टेट यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में पंपिंग एनालिसिस किया, और उसके नतीजे में आपने क्या चीज़ गेन कर ली, पॉपुलेशन इन्वर्जन गेन कर ली। ठीक है, अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। इसे कहते हैं फ्लोरिसेंस एफिशिएंसी। ये जो फ्लोरिसेंस एफिशिएंसी होती है ये दो तरह की एफिशिएंसीज का क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। वो क्या प्रोडक्ट होती है, ठीक है, टाउ 4 ओवर टाउ 4 3। ठीक है, टाउ 4 का मतलब है फोर्स एनर्जी लेवल से नीचे आने वाले, 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1 सब में आने वाली प्रोबेबिलिटीज़ को जमा कर ली है। और टाउ 4 3 का मतलब है सिर्फ 4 से 3 में आने वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसकी हम बात करेंगे। अब हम तो यही चाहते हैं कि N3 की तादाद बहुत ज़्यादा हो N2 के मुकाबले में, तो इसका मतलब है हमें T4 3 जो है वो क्या चाहिए, बहुत स्मॉल चाहिए, और T4 जो है वो बहुत लार्ज चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय। दूसरी चीज़ कि जब 3rd एनर्जी लेवल के अंदर एटम आ जाएंगे तो उनमें से कितने एटम ऐसे हैं जो 3rd से 2nd में फॉल कर रहे हैं। जो भी 3rd से 2nd में फॉल करेगा वो रेडिएशन एमिट करेगा। तो इसका मतलब है ये जो टाओ रेडिएशन है ना, एक्चुअली में इसको यूँ कहा जा सकता है कि सिर्फ वही वाले फोटोन जो वही वाले एटम फोटोन एमिट कर रहे हैं जो 3rd से फॉल करके कहाँ पर गिर रहे हैं, 2nd में गिर रहे हैं। तो ये एक फ्लोरिसेंस क्वांटम एफिशिएंसी है जिसको आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने जहन में रखना है कि ये हमने इसको बाद में यूज़ करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो टाओ 4 3 है और टाओ 3 है, तो मैं इस टाओ 4 3 को दूसरी साइड पर ले जा रहा हूँ और टाओ 3 को इधर आके डिवाइड कर रहा हूँ। राइट साइड पे देखें क्या बचा, एक तो बचा टाओ 4 डिवाइडेड बाय टाओ रेडिएशन, और ये जो ईटा है इसको भी इस साइड पे लाएं, ये आ जाएगा। ठीक है, ये भी अभी फ़िलहाल आगे जाके हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हमने जहन में रख लिया, रखने के बाद अब हमारा जो मकसद है वो ये है कि N3 हाई एनर्जी लेवल है, N2 लो एनर्जी लेवल है। सबसे पहले तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, इसे कहते हैं पॉपुलेशन डिफरेंस डिवाइडेड बाय N। N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो उस पूरे सिस्टम में मौजूद थे, यानी N1, N2, N3, N4 सबको सम अप करेंगे तो वो क्या बनेगा, N बनेगा। अब सबसे पहले मैं N3 माइनस N2 की तो बात कर लेता हूँ कि ये तो बड़ा आसान है। N3 माइनस N2, N2 की वैल्यू किसके बराबर थी, बीटा N3, तो N2 की जगह आप पुट कर दें बीटा N3। तो इनमें से N3 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस बीटा N3। तो इसका मतलब है ये जो ऊपर न्यूमरेटर वाली टर्म है ना, इसको तो मैंने बड़े आराम से जो है लिख लिया। वैसे N3 माइनस N2 को आप यूँ भी लिख सकते हैं डेल्टा N, ठीक है, यानी पॉपुलेशन डिफरेंस डिवाइडेड बाय N। तो ये डेल्टा N वाली जो बात है ना, ये तो आपने लिखा कि ये 1 माइनस बीटा N2 N3 के बराबर आ जाएगा। अब दूसरी बात, N की वैल्यू ज़रा निकालने चाहते हैं हम। ठीक है, N की वैल्यू किसके बराबर है, N की वैल्यू है N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। मैं यहाँ पर एक ही जो है वो आपको तरीकाकार सिखा देता हूँ, डिटेल्ड एनालिसिस आपने खुद करने की कोशिश करनी है। N1 की वैल्यू आपने लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ N1 की जगह 1 प्लस ओमेगा पी टाओ 4 ओवर ओमेगा पी टाओ 4 इनटू N4 प्लस N2 की वैल्यू आपने यहाँ पर लिखी हुई है बीटा N3, तो मैं N2 की जगह लिख देता हूँ बीटा N3 को वैसे ही रहने दें प्लस N4। N4 किसके बराबर है, N4 बराबर है टाओ 4 3 ओवर टाओ 3 इनटू N3। यहाँ पर भी एक N4 नज़र आ रहा है आपको, इस N4 की जगह भी मैं इसी स्टेप में यही वैल्यू पुट कर देता हूँ टाओ 4 3 ओवर टाओ 3 इनटू N3।
तो देखिए मैंने सारों को ना N1, N2, N3, N4 इन सब की जगह ना N3 लिया है, क्योंकि ये जो न्यूमिनेटर था इसमें भी हमने फाइनली देखा N3 मौजूद था, तो यहाँ पर भी एक N3 आ जाएगा। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो N3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारी जान छूट जाएगी वो N3 वाली टर्म से। ठीक है, अब tau 43/tau 3, यहाँ पर भी tau 43/tau 3 जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो मैंने आप पहले ही देखें ये tau 43/tau 3 लिख लिया था, और इसकी जगह मैंने ये वाली चीज़ जो है वो क्या करनी है, पुट करनी है। ठीक है, तो अब देखें N3 तो हमने ले लिया है कॉमन। ठीक है, अब मैं ये सारा कुछ जो है वो अरेज कर लेता हूँ, क्योंकि इन सब को लिखने का मकसद पूरा हो चुका है अब। ठीक है, तो इनको हम अब अरेज करते हैं। अब जो है ज़रा देखें ब्रैकेट के अंदर क्या क्या चीज़ जो है वो बचती है, ये इनकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। 1 ωp tau 4 ωp tau 4, ये जो tau 43/tau 3 है इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tau 4/eta × tau radiation प्लस बीटा। N3 में से N3 कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा बीटा, N3 में से तो N3 कॉमन आ गया अंदर बचेगा 1, और यहाँ से N3 कॉमन आ गया अंदर बचेगा tau 43/tau 3, जिसकी जगह आप पुट कर सकते हैं tau 4/eta × tau radiation, ये आपने लिख लिया। ज़रा इसको देखें ये आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो किस तरह से कैंसिल हो गया। अब आप जो है वो इस पूरी इक्वेशन से जो है वो क्या कर लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा, ωp η tau radiation, तो ये ωp η × tau radiation जो है वो क्या आ गया, एलसीएम। क्या बचा ऊपर, 1 ωp tau 4 बचा। ये जो 1 β है इसके साथ ये सारा कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा ωp η tau rad, इसके रेसिपी यानी डिनोमिनेटर में η × tau rad से इसे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ωp बचेगा, तो ये बचेगा ωp × tau 4। ये आपके पास जो है वो बन गई सिचुएशन। ठीक है, तो अब हमने मालूम करना था Δn/N। तो अब हम मालूम कर लेते हैं Δn/N। Δn की वैल्यू थी 1 β/N3, और N की वैल्यू ये सारा कुछ है। ज़रा जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो N3 तो N3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 β डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये सारा कुछ। और इस सारा कुछ का ये जो डिनोमिनेटर है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा ωp η × tau radiation, और बटे में बचा 1 ωp η tau rad + 1 ωp tau 4 ωp tau 4। अब आप जो है वो इसको थोड़ा सा जो है वो रीअरेंज करें, और रीअरेंज करने के बाद हम इसको एक बेहतर शक्ल में जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो Δn/N है या 1 ωp η tau rad / ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने ओवर में जो है वो क्या करना है, देखें सबसे ωp τ4 कॉमन ले लेना है। ठीक है, अब ये जो ωp τ4 है इन सब को मैं इकट्ठा कर लूँ अगर इन दोनों को, तो ये क्या बन जाएगा, 2 ωp τ4। ठीक है, अब आप क्या काम करें, आप काम ये करें कि ये जो ωp η tau rad है इसको अगर आप कॉमन ले लें, तो इसको कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचेगा 1 β, एक तो ये बच गया, ठीक है, प्लस 1 ωp η tau rad प्लस 2 ωp τ4/ωp η tau rad, ये आ जाएगा आपके पास। और आप इसको लिख सकते हैं 1 ωp η tau radiation / ωp η tau radiation 1 ωp β। ठीक है,
अब देखें ये कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा 2 टाउ 4 ओवर ईटा टाइम्स टाउ रेड प्लस 1 ओवर मेगा पी ईटा टाइम्स टाउ रेड। ये आपके पास जो है वो सिचुएशन आ गई। ठीक है, अब आप देखें कि हमने जब बीटा की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, तो हमने कहा था कि बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब है बीटा मस्ट अप्रोच टू 0। और दूसरे नंबर पे ईटा का मतलब है एफिशिएंसी, तो जो एफिशिएंसी होनी चाहिए वो हमारी 100% पे अप्रोच करनी चाहिए, तो ईटा मस्ट अप्रोच 1। तो जहाँ जहाँ पर बीटा है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 0, और जहाँ जहाँ पर ईटा है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप ये काम करेंगे, यहाँ पर बीटा की जगह 0 लिखा, ईटा की जगह 1 लिखा, ठीक है, तो आपके पास बचा 1-0 जो कि 1 ही है इंटू ओमेगा पी टाउ रेड, तो ये बन जाएगा ओमेगा पी इंटू टाउ रेड ओवर, यहाँ पर ओमेगा पी इंटू टाउ रेडिएशन, ये आपके पास बचा, ईटा की जगह तो 1 आ गया। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आया 1 प्लस, ठीक है, अब देखें बीटा हो गया 0, तो ये सारा कुछ क्या हो गया 0। ठीक है, ये आपके पास बचा 1 ओवर ओमेगा पी टाउ रेड, ठीक है, तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ 1 ओवर ओमेगा पी टाउ रेड, ये आपके पास जो है मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है ये है 2 टाइम्स टाउ 4 ओवर ईटा टाइम्स टाउ रेड, ईटा की वैल्यू तो 1 है, तो इसका मतलब ये तो हो गया 1। टाउ 4 फोर्स एनर्जी लेवल से डिके करने का रेट बहुत ज़्यादा था, इसका मतलब है टी फोर की वैल्यू बहुत कम है, यानी हमने कहा था फास्ट डिके होगा, फास्ट डिके का मतलब है टाइम बहुत कम लगेगा, और रेडिएशन जो है वो हमेशा एमिट हो रही थी थर्ड से सेकंड में, तो थर्ड एनर्जी लेवल का जो डिके टाइम था वो तो बहुत लार्ज था, क्योंकि वो मेटास्टेबल स्टेट है, इसका मतलब है कि ये लो है और ये जो है वो क्या है लार्ज वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्ज वैल्यू बहुत कम होगा, इसका मतलब है ये वाली टर्म भी 0 होगी, इसका मतलब है ये वाली टर्म भी आपने क्या कर देनी है अप्रोचेस टू 0। अब आपके पास सिचुएशन सिर्फ बचेगी ओमेगा पी टाइम्स टाउ रेडिएशन ओवर, इसको इधर अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ओमेगा पी टाइम्स टाउ रेडिएशन, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 बन जाएगा, तो ये आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा डेल्टा एन डिवाइडेड बाई एन की जो है वो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये जो डेल्टा एन डिवाइडेड बाई एन है, ठीक है, तो इसको हम जो है वो क्या करते हैं देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर पंपिंग रेट ली है, ठीक है, पंपिंग रेट का मतलब है कि ये है ओमेगा पी टाउ 4, ये होगा 2 टाइम्स ओमेगा पी टाउ 4, फिर 3 टाइम्स एंड सो ऑन चलता जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है वो किस चीज़ को लिया है डेल्टा एन, ठीक है, यहाँ पर आप फर्ज करें डेल्टा एन की वैल्यू माइनस एन के बराबर है, यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू किसके बराबर है एन के बराबर है। ठीक है, तो आप देखें कि अगर पंपिंग रेट 0 हो, ठीक है, जो कि यहाँ पर है, तो उस वक्त ये जो ओमेगा पी टाउ रेट है ये 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हुआ तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0, इसका मतलब आंसर 0। जैसे जैसे पंपिंग रेट बढ़ता जाएगा, ये जो नॉर्मलाइज्ड पंपिंग रेट है ये बढ़ेगा, तो उस वक्त क्या होगी डेल्टा एन की वैल्यू भी क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है डेल्टा एन की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, और जब पंपिंग रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर फर्स्ट करें पंपिंग रेट इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उस वक्त ये जो पूरी की पूरी टर्म है, ठीक है, इट मस्ट अप्रोच 1। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट आप कह लें रफली जो है वो 1 हो जाएगा, तो रफली 1 होने का मतलब है डेल्टा एन और एन की जो रेशियो है वो 1 के बराबर हो गई, तो डेल्टा एन और 1 एन की रेशियो 1 के बराबर हुई, तो डेल्टा एन और एन तकरीबन बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब है डेल्टा एन जो है वो अप्रोक्सीमेटली ये इक्विलिब्रियम वैल्यू को क्या कर जाएगा अचीव कर जाएगा, लेकिन बहुत देर के बाद इनफाइनाइट के बाद, लेकिन आपको इनफाइनाइट तो पंपिंग रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ी सी पंपिंग रेट करें तो डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी लेजिंग थ्रेशोल्ड, आपने कहा था कि एक थ्रेशोल्ड इन्वर्जन होती है एनर्जी लेवल, तो इसका मतलब है कि एक थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन है एन थ्रेशोल्ड, इधर तक पहुंचने के लिए आपको पंपिंग रेट बहुत ही कम चाहिए, यानी जस्ट इतना पंपिंग रेट रख लें नॉर्मलाइज्ड, तो आप जो है वो अपनी पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं। तो 4 लेवल लेज़र सिस्टम जो है उसमें ये जो नॉर्मलाइज्ड पंपिंग रेट होता है
इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, इसलिए हम कहते हैं कि फोर लेवल लेज़र सिस्टम जो है वो क्या होता है, बहुत एफिशिएंट होता है। तो अब आपने ये डेल्टा एन ओवर एन को जहन में रखना है, ओमेगा पी टाउ रेड ओवर ओमेगा पी टाउ रेड प्लस वन, ठीक है। और इसको जहन में रखते हुए हमने क्या करना है, फिर थ्री लेवल लेज़र सिस्टम के साथ भी क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। और जब हम इसको कंपेयर कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि किस में जो है वो ये जो लेजिंग थ्रेशोल्ड था वो क्या था, ज़्यादा था। तो जहाँ पर पंपिंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी वो लीस्ट एफिशिएंट होगा, जहाँ पर पंपिंग रिक्वायरमेंट कम होगी वो क्या होगा, ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने फोर लेवल एनर्जी स्टेट जो लेवल लेज़र सिस्टम है उसके रेट इक्वेशन को क्या किया, एनालाइज किया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।